है रोजे के अंदर, वो एक बहुत ही हमारा एक इम्पॉर्टेंट केस है। हमने बहुत अच्छी हमारी टीम ने, SHO साहब ने और DSP साहब ने कार्रवाई की है, तो उसके लिए आप लोगों को जहमत दिया है ताकि आपके साथ हम वो एक अच्छी चीज़ शेयर करें। हमने एक मुल्तम गिरफ्तार किया है जिसका नाम है जहीर अहमद गर्ल्ज अब्दुल अजीज और ये आज़ाद कश्मीर जिला बाग का रहने वाला है। तो इसका जो हमें जब हमने इसको गिरफ्तार किया, उसने इंटरोगेशन किया है, तो ये सामने आया है कि ये एक तो खवातीन से स्नैचिंग करता था और स्नैचिंग के दौरान जो है ये खवातीन से रेप भी करता था। ये इसके करीब 20 के करीब वारदात जो अभी तक इंकशाफ किया है, उसमें से 10 के करीब ऐसी वारदात हैं जिनके अंदर इसने ना सिर्फ उन खवातीन से मोबाइल और कैश स्नैच किया, उनका पर्स स्नैच किया, बल्कि साथ ही साथ उनको ज्यादा जानकारी दी। और इसके अंदर जो हमारा 2018 के अंदर हमारी एक लेडी पुलिस कांस्टेबल के साथ जाती हुई थी, वो वाला केस भी शामिल है, तो इसने इंकशाफ किया है और उसके अंदर इसकी ग्रुप शनाख्त ट्रेड भी हो चुकी है। इसी तरीके हमारे पास 2 ऐसे केसेस रजिस्टर्ड थे जिनके अंदर ये चीज़ रिपोर्ट हुई थी कि इसमें 10 दराजी की है और साथ में स्नैचिंग की है। उन केसेस में उन खातिन ने भी इनको, इस जो बंदा है जहीर अहमद, इसको पॉजिटिवली आइडेंटिफाई किया है डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन रेट कि ये बंदा वो है जिसमें है। इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता चला जाता हूँ, आपके साथ इसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेता हूँ। ये इसकी उम्र 25 साल है और ये मिडल क्लास है और ये इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में और लाहौर में डिफरेंट होटल्स में, बेकरीज में और घरों में एज ए कुक काम करता था। तो जिन दिनों ये बेरोजगार होता था, स्पेशली उन दिनों में ये तकरीबन महीने के अंदर एक वारदात ऐसी करता था जिसके अंदर ये फजाइया पुल के करीब, जहाँ पे हमारी लेडी कांस्टेबल के साथ ये इंसिडेंट हासिल हुआ था, वहाँ पे जाके बैठ जाता था दिन के वक्त भी, लेकिन ज़्यादातर रात के वक्त, रात को 7 बजे से लेके कोई 10 बजे के दरमियान। और वहाँ पे से अगर कोई खातून अकेली गुजर रही होती थी तो ये उसको चेस करता था, उसको धक्का दे के नीचे गिराता था। साथ ही उसके जो मेन रोड है उसके साथ जंगल वाला एरिया, और उसको ड्रैग करके जो है वो उस जंगल एरिया में ले जाता था। वहाँ पे जाके वो उससे स्नैचिंग भी करता था और ज़बरदस्ती जो है कुछ जो विक्टम्स हैं टोटल स्नैचिंग में से कुछ 10 के करीब जो इसने इंकशाफ किया है, उनके साथ इसने ज्यादा भी। तो ये इसकी प्रोफाइल है और जिस वक्त इसने ये क्राइम किया था तो उस वक्त से 2018 से ऑनवर्ड ये गौरी टाउन में रहा है कि ये कहीं पे काम करता है एक बेकरी पे वीकेंड के ऊपर, या जब बेरोजगार हो जाता है तो ये एक यहाँ पे इसका एक दोस्त है उसके घर पे ये स्टे करता था। इसके एक चीज और इसकी पर्सनल शेयर कर लेता हूँ कि इसने अपनी ड्यूरिंग इंटरोगेशन ये भी शेयर किया कि इस मामले के अलावा इसके एक्स्ट्रा मैरिटल, शादीशुदा नहीं है लेकिन इसके खातून के साथ, एक खातून के साथ इसने कंफेस किया है कि इसका फिजिकल रिलेशनशिप भी है। और साथ ही साथ इसने ये भी रिवील किया है कि बचपन के साथ ये भी एक दफ़ा सेक्सुअली अब्यूज किया गया था बाई जो इसका गांव था उसके अंदर इसके साथ ये हुआ था। तो ये आपके साथ डिटेल शेयर करनी थी रिगार्डिंग दिस केस, जिसके लिए आप लोगों को आज जहमत देनी थी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो वो मैं आपका बिल्कुल लूंगा, लेकिन साथ ही साथ अब आप आए हुए हैं तो आपके साथ पिछले 3 महीने में आपने कोई बहुत अच्छा काम किया है अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो वो आपके साथ हम थोड़ा सा शेयर कर लेते हैं। जिसमें रूरल जोन के अंदर जो है हमने पिछले 3 महीने के अंदर 43 गैंग्स बस्ट किए हैं, जिसमें चोर भी शामिल हैं, सरका बिल जबर वाले भी शामिल हैं और साथ ही साथ घरों में चोरियां करने वाले, शॉप्स में स्नैचिंग करने वाले, डिफाइटी के लोग, ये सारे शामिल हैं। जो 43 गैंग्स हैं जो हमने बस्ट किए हैं और उनसे 2,28,00,000 से ज़्यादा मालियत की चीज़ें रिकवर की हैं जो कि लोगों को हमने हैंड ओवर कर दी है। अभी भी हमारे पास 1-2 गैंग हैं जिनको हमने के लिए भेजा हुआ है, जैसे वो वापस आते हैं तो फर्दर उनकी रिकवरी होगी, वो भी हम लोगों तक पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच।